ठाकोरनो सूप बोलाओ सुदामा। आज तो बहुत सुंदर देखा जाऊ छ तमे दुए। हां कान्हा, आज हमें उत्सव को जाऊ छु। कान्हा, आज तमे खेली बा को आसिबोनी? ना, आज आम पाखरे समय नहीं। आज सिराई रो जन्मदिन ना। सिया आम पर प्रसन्न हो जीवा। आउ देखो कान्हा, ताकू उपहार दबा पाई हमें कोन आनिचु? स्वर्ण रा आभूषण। बहुत सुंदर। आउ एते प्रिय मित्र जेतबेले बड़ो उपहार तो दबा कोई हबो ना। सिरायु समस्त ग्रामवासी को डाकिचे, तमे कोन सिरायु घर को जीवो नाही? मो तो स्वयं लबाणी चोरी करी खाई थाए। मो पाखरे एते धन काई उपहार दबा पाई? सिरायु बहुत भलो काना, जदी तमे बिना उपहार रे उत्सव को आसिबो तेबे सिरायु खराब भाबिबनी। आमे त सिरायु को ए बहुमूल्य उपहार एथि पई दउछु काहे कि ना से सब दिन उपहार आमु को दिए, किंतु तमको त दउनी ना, सेति पई तमे बिना उपहार रे जाई परिबो। किंतु जिबि जदी उपहार त जेमिति हेले दबा को पड़िबो ना। ये पुणी की उपहार? हाँ, ये उपहार नो है, किंतु तमे निजो उपहार एथिरे रखी पारिबो। हां हां, एटा ठीक हबो। एथिरे त आम उपहार रो सभा आहुरी बढ़ी जिवो। बाल कृष्णा कृष्णा, बाल कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। को तम साथी रे रखो मित्र। प्रचंड भार नेत्र लाल भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार पाप का माया जाल। धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। विध्वंस का है तांडव भय खाए देव मानव, पर धरा भी कांपे जब अश्व इसके भागे। हेटी सुनुचो, कोनो वास्तव रे तमे एते दान दबो ना कोनो? अरे नाही मो बिमळा, ए पंडित को सहित मु सब कथा हे जाई छी। काली सकाळे सबु जाको धन आमो घर को चले आसीबो। एकमात्र पुत्र रो जन्मदिन आजि, आ गोकुळ वासी को सामना रे धन औ सामर्थ्य रो प्रदर्शन तो करिवार अछि। ये तो तमे बहुत भलो करिचो। चलो अन्य उपहार खोलिकी देखिबा। किंतु एहा उचित नुहे। एमिति भावे समस्तंक सम्मुखरे उपहार खोलिबा शोभा दिए नाही। आ
पुणी एमाने तो छोट छोट बालक, एमानक सम्मुखरे ये सब कौन? एथिरे खराब कथा कौन अछि नंदराणी? उपहारर मूल्यर तो जना पड़ी थाए ना, जे को मित्र मो पुत्र को सबुठ अधिक भल पाए। आ मित्रता तो दबा नबारे ही पड़ी थाए ना। मित्र तुम्हें माने भूमि ऊपर बसी भोजन कर। सुमित्रा काकी, तुम उपहार बहुत सुंदर है, तुम्हें आम सहित बसी भोजन करिबो। मो डेणा पुनः ठीक है गला। एबे मु पुनर्बार लड़ी पारिबी से कृष्ण सह। मु गोटे भी मुहूर्त नष्ट न करी से उदंड बालक को समाप्त करी देबी महाराज। एई कारणरु मु मोर शक्ति रे तमो डेणा को पूर्व परि करि देली। मो तम साथी रे गोकुल को जिबे आउ मो काल को मो नेत्र सम्मुख रे मरिवार देखिबा को चाहू छी। सिरायु, ये कौन कल तमे निज मित्र मंडली को अलग अलग भोजन करिबा को काहे के पठेला? मते सबुठारु मूल्यवान उपहार देथिबा मित्रन को मु प्रथम कक्ष को पठेई छी। से कक्ष विशेष मित्र मानन को पई। सेठारे अनेक प्रकार व्यंजन 56 प्रकार मिठाई परोसा जीव। आउ द्वितीय कक्ष रे सेमानन को भोजन परोसा जीव जो माने मो पसंद रो उपहार आनी चंती। आउ एठी बाहरे सेई मित्र माने भोजन करिवे जो मानन को उपहार मोर आदो पसंद नुहे। किंतु ये तो उचित नुहे मित्र, कहा सहित भेदभाव करबा तांको अपमान करबा परि हबो। आउ रहिला कथा उपहारर मूल्य नुहे, उपहार देइथिबा व्यक्तिर प्रेम को देखा जाए। थाउ आउ भाषण दियो नाही, उपहार दियो। मोर उपहार काहे कृष्ण, मो पई किछि आनिचो ना नाही? एई निया मित्र तमर उपहार। मोर तो कृष्णर उपहार देखिबार अछि। कुओ कोठी अछि तुम उपहार? खाली हाते रे ठीक आसी ना तो? नाही नाही, बस इति के भाव मित्र। मित्रन करे उपहार हम समस्त को तरफरु तम पाई। लागु छि गाना किछि रोचक करबा को जाउ छै सिरायु सहित। सुदामा, सिराई को आम उपहार एते भल लागी जे तार प्रशंसा करिबा को तांको मुहर गोटे शब्द भी बाहरुनी। एते भाबु को हुअनी मित्र सिरायु, बहुत भोक लागुची। एबे आमो को भी कह जे हमर भोजन रो व्यवस्था कोठी हेची। भोजन आ पुनी तुमको तमको एटे के निमंत्रण न करथिले बहुत भलो हे थांता। चली जाओ एठारू, भोजन करबा को आसी गले कांगाल कोठिकार।
ଆଉ ଶୁଣ, ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ବି ଏଠାରୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ। ତୁମ ପରି କାଙ୍ଗାଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସିରାୟୁ, ତମେ ତମେ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ କାହିଁକି ହଉଛ ପୁତ୍ର? ତମେ ଆଉ ତମ ମାତା ପିତା ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ପଥରକୁ ହିଁ ଖାଇଦିଅ ତମେ ମାନେ। ଏହି ଉପହାର ଦେଇଛ ନା ତୁମେ ମାନେ ମତେ? ଜାଣିଛ, କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଗୋକୁଳ ଆସିଯିବ, ମୋ କାଳର ଗ୍ରାମ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି। ମୋ ପୁତ୍ରକୁ କିଛି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହବ ଯଶୋଦାରାଣୀ, ଯେ ତମେ ତମର ପୁତ୍ର ଆଉ ତାର ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଅ। ତମେ ଏଇଆ ଶିଖେଇଛ ତମ ପୁତ୍ରକୁ ଯେ ଉପହାରରେ ମୋ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପଥର ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋଜନ ମାଗୁଛି। ସୁବଳ ଆଉ ସୁଦାମାର ମା, ତମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ଚାହିଁ ବସିଥାଅ ନା ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ? ଇଏ ତ ଭଲ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଉପହାର ଏବେ ଦେଖିଦେଲି। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଦବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା, ତେବେ ଏଠିକି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ, ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପହାର ଦେଇପାରି ନଥାନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି କି ମିତ୍ର? କ'ଣ ତୁମେ ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପହାର କ୍ରୟ କରି ଦେଇପାରି ନଥାନ୍ତ? ସିରାୟୁ, ବାସ୍, ଏବେ ତମେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ। ଏମିତି ଭାବେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିପାରିବନି ତମେ। ଆଉ ତମେ କିପରି ମାତା? ତମେ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ତମ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଉ ତମେ ତାକୁ ବାଧା ଦଉନ। କେଜାଣି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଗଲା ତମ ପୁତ୍ର। ଆମେ ଏଠି ଭୋଜନ କେବେ ହେଲେ କରିବୁନି, ଯୋଉଠି ମିତ୍ରତାର ମୂଲ୍ୟ ଧନ ସହିତ ତଉଲା ଯାଏ। ତମେ ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଧନତାର ଉପହାସ କରିପାରିବନି। ତମେ ଆଉ ତମ ପୁତ୍ର ସୁଦାମା ଆଉ ସୁବଳର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ଯଶୋଦା କାକି, କ୍ଷମା ତ ଏହି ବାଳକମାନେ ମତେ ମାଗିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେଜାଣି କେତେ ଉପହାର ଦେଇଛି, କେତେ ଉପକାର କରିଛି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ। ଏପରିକି ଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ଆଭୂଷଣ ମୁଁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେସବୁ ବଦଳରେ ସେମାନେ ମତେ କ'ଣ ଦେଲେ? କିନ୍ତୁ ସିରାୟୁ, ତମେ ତ ଏସବୁ ଆମର ମିତ୍ରତା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ। ମିତ୍ର, ଆମେ କେବେ ବି ଏଇସବୁ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିନଥିଲୁ, ପରନ୍ତୁ ତୁମର ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଆମକୁ ଏଇ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉଥିଲି କାରଣ ତମେ ବୁଝିପାର ଯେ ମୋ ସ୍ଥାନ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ତ ଏଠାରେ ବି ତୁମ ସ୍ତର ଦେଖେଇଦେଲ। ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି ନୁହେଁ ମିତ୍ର, ମୁଁ ତ ତମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର କୁଣ୍ଡଳ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ବି ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର କଙ୍କଣ ଆଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ସୁଦାମା, ତୁ ସେ ଉପହାରକୁ କ'ଣ କଲୁ ପୁତ୍ର? ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁ ମାର୍ଗ? ନାଇଁ ମାତା, ଆମେ ସବୁ ଆଭୂଷଣ କୃଷ୍ଣର ଏ ଡବାରେ ରଖିଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ କୃଷ୍ଣ, ଲବଣୀ ପରି ତୁମେ ମୋର ଉପହାର ବି ଚୋରି କରିଦେଲ। ତୁମେ ଚୋର ଆଉ ଚୋର ହିଁ ରହିବ କୃଷ୍ଣ। କୁହ, କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଛ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣ? ହଁ ହଁ ଯଶୋଦାରାଣୀ, କ'ଣ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛ ତମ ପୁତ୍ରକୁ? ମୋ ମାତା ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟଥା ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିରାୟୁ, ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଚୋରିର ଆରୋପ ଲଗେଇଛ ତମେ, ତାହା ଅସତ୍ୟ ବି ତ ହେଇପାରେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଏକଥା ଯଦି ଅସତ୍ୟ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କ'ଣ?
तुम्हें कथा को बदलै पार किंतु सत्य को बदलै पारिबो नै कृष्ण। चलो एबे जणा पड़ी जीवो जे सत्य कोण। थारे ए बॉक्स को ओलटे की तो देखो। शीघ्र चल बकासुर, मु बहुत व्याकुल होउछि गोकुल रे पहुँचिबा पाई। ये नंद एठारे कौन करुछि? ये तो ग्रामरु बाहर को पळी आसीछि। बकासुर शीघ्र सेठी मते पहुँचाओ। बदली कलाना सिरायु ए बक्सर दुईटे ढक्कुनी थिला। तमे प्रथम ढक्कुनी खोलिलो सेथिरे तो पत्थर ही देखा जीवो ना। हां हां जसोदा रानी एबे छाड़ो ना से कथा। बालक मन को कथा रे कोन अछि? सुबळा और सुदामार मा तमे भी छाड़ो ना से पुरुणा कथा। चलो भोजन प्रस्तुत अछि, ऊपर कक्ष को जाई भोजन करिवो। चलो जसोदा रानी थाहु भगिनी ना आमे एठी गोटी क्षण रहिबु आउ ना ही तम सहित भोजन करिबु। मित्र सुबळ और सुदामा दरकार नहीं आम को तमरो मित्रता। नहीं नहीं मु तो तुम सहित उपहास करथली मित्र। तुमे तुमरो घनिष्ठ मित्र तेबे आज तो ए घनिष्ठता समाप्त हैला। गोटिए कार्य तो तमे उचित कल, एबे आउ गोटिए कार्य शीघ्र कर। निज माता पिता को क्षमा माग। माता मते क्षमा कर दियो, मोर बहुत बड़ा भूल हो जाइछी। बाबा मोर बहुत बड़ा भूल हो जाइछी। सुदामा सुबळा ये तो भल हैला पुत्र जे तुमे माने बुझी गलो, किंतु ए सिरायुर कौन हबो? तार माता पिता ताकु धनर महत्व बुझाई चंदी किंतु संस्कार रो नुहे। विमला भौणी एबे भी समय अछि, ठीक मार्ग को चली आस। निज पुत्र को सदाचारर शिक्षा दियो, नहले हुए तो अनर्थ होई जीव। किंतु मथुरा नरेश नंद तो एबे एठारु बहुत दूर रे, पुणि आपण एठार काहीकि रहिगले? नंदा एमितिरे मोर योजना भल भावरे बुझी गलो ना तमे? नंदा